उधर रूस यूक्रेन जंग में एक दूसरे पर जबरदस्त पलटवार हो रहा है। रशियन आर्मी ने थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया, टॉस वन से हमला कर यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की 43rd आर्टिलरी ब्रिगेड ने बोला रूसी ठिकाने पर हमला। विध्वंसक हमले, जोरदार प्रहार, रूस यूक्रेन जंग में 148 दिन बाद भी जारी है हाहाकार। रूसी रक्षा मंत्री के फरमान के बाद रूस ने यूक्रेन की जमीन को फिर से तहलाना शुरू कर दिया है। ताजा हमले में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर थर्मोबैरिक हथियार से हमला किया। TOS-1 से हमला कर रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। खुद रूस ने इस हमलों का वीडियो जारी किया है। जंग के मैदान से आई दूसरी तस्वीर पलटवार से जुड़ी है। पश्चिम से मिले हथियार के बल पर यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर ताबड़तोड़ हमला किया है। यूक्रेन की 43वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेन ने 2 S-7 पाइन और मालका 203 mm तोपों से रूसी ठिकानों में कोहराम मचा कर रख दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस हमले से रूसी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खबर है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर अपना दबदबा बनाने के बाद रूस अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों का रुख कर रहा है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने जमीन और आसमान से घेराबंदी की है। रूसी ठिकानों पर यह हमला सेंट्रल यूक्रेन पर हुआ है, जहां तैनात 43वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस को रोकने की भरपूर कोशिश की।